तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेयर मी आउट। एंड मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और बीएल सीरीज़ ले की एक्सप्लेनेशन लेके, जिसे हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज़ का नाम है इन लव द सीरीज़। एंड जिन लोगों को नहीं पता इन क्या होता है, मैं उन सबको बता दूँ। इन आप एक तरह से होटल को बोल सकते हैं जहाँ पर लोग स्टे करते हैं, उसे इन इंग्लिश में इन कहा जाता है। तो ये स्टोरी अराउंड इनके अराउंड ही रखी गई है, क्योंकि जो हमारे मेन लीड हैं उनकी लव स्टोरी एक रिजॉर्ट जो हॉस्टल होता है वहीं से शुरू होती है। मैं आपको स्टोरी के बारे में अभी ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट इतना बता देता हूँ कि एक फिलीपींस बीएल सीरीज़ है। एंड इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो लगभग 20 से 25 मिनट की रखी गई है। एंड बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग एंड रिफ्रेश जो बोलते हैं ना, न्यू बीएल सीरीज़ है ये। न्यू तो नहीं कहूँगा बट या स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा न्यू है। एंड ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने तो नहीं देखा, आई होप आपने भी नहीं देखा होगा। एंड तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के इस जो सीरीज़ है उसके फर्स्ट एपिसोड की रिव्यू की। एंड आई होप कि मैं इस सीरीज़ के साथ जस्टिस कर पाऊँ, क्योंकि सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपने फर्स्ट मेन कैरेक्टर जीनो को देखते हैं। जीनो एक स्क्रिप्ट राइटर है, जो भी एड्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, उन सब की स्क्रिप्ट जीनो लिखता है। तो अभी उसको एक जो उसकी बॉस है उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला हुआ है, बट काफ़ी टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। एंड टाइम निकलता जा रहा है, तो वो मतलब अपने घर में लिख नहीं पा रहा था जो स्क्रिप्ट थी। तो वो सोचता है कि मैं जगह चेंज कर लेता हूँ सो दैट नए नए आइडिया आए मेरे पास एंड मैं स्क्रिप्ट लिख सकूँ। एंड तो वो अपना सारा सामान मतलब अपने बैग में रख, वो उसमें भर लेता है, कार में रख लेता है। एंड उसके पास उसकी जो दोस्त होती है लेस, उसका कॉल आता है। मैं आपको बता दूँ, लेस एक होटल में काम करती है जहाँ पर एज अ रिसेप्शनर काम करती है वहाँ पे। तो उसी ने जो जीनो है उसको सजेस्ट किया था कि मतलब तुम अगर स्क्रिप्ट लिखने में तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें कोई शांत प्लेस चाहिए जहाँ पर तुम लिख सकते हो, तो मेरा होटल बहुत ही अच्छा है, तुम वहाँ पर आके अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो जो जीनू था वो उसकी बात अग्री कर जाता है, ये बात उनकी पहले हुई थी। एंड ये प्रेजेंट में अपना सारा सामान रख के कार में उसी होटल की तरफ जा रहा था, अपने दोस्त की होटल की तरफ। एंड जाता है तो जैसे ही वो गाड़ी चालू करके रास्ते में आधे रास्ते पहुंचने ही वाला होता है कि तभी जो जीनू की बॉस होती है जिसका नाम माया है, उसका कॉल आता है उसके पास में। एंड वो उसको कॉल करते ही उसे पूछते कि कैसे हो जीनू, आई होप तुम ठीक होगे एंड तुमने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो लिख ली होगी। तो ये सुनते ही जो जीनू होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, वो बोलता है कि मिस एक्चुअली मैंने ना वो 60% जो स्क्रिप्ट है उसको कंप्लीट कर दिया है, बाकी की भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। ये सुन के बोलती है कि वाह वेरी गुड, तुमने अगर 60% काम कर लिया है तो ऐसा करो ना मुझे 2-3 लाइन सुना दो उसकी 60% की। तो ये सुन के वो थोड़ा सा डरता है, तो वो ऐसे बहाने में लाता है कि मिस माया एक्चुअली आपकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो 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 ऐसे करके उसका फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन फ्लाइंग मोड पर डाल देता है सो दैट माया उसे बार बार कॉल करके परेशान ना करे, इसलिए वो अपना फ़ोन वहाँ पे डाल देता है एंड आगे के लिए चल देता है। जैसे ही वो आगे मतलब आधे रास्ते पहुँचता है तो उसको थोड़ा सा एहसास होता है कि उसे भूख लग रही है, तो वो एक शॉप के सामने रुकता है एंड वहाँ से अपनी कार से निकल के अंदर जाके ऑर्डर देता है जो भी उसको चाहिए होता है, कि ये बर्गर चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, वट एवर ही नीड्स, वो ऑर्डर देता है और बोलता है कि मैं अपनी कार में वेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो ऑर्डर है ना वो मेरी कार में लेकर आ जाना। तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी मैं 10-15 मिनट में आपको हम आपका ऑर्डर आपकी गाड़ी में ला के दे देंगे। तो वो अपनी गाड़ी में जाकर वेट करने लगता है, तभी हम उसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जिसमें से निकलता है हमारा सेकंड मेन लीड एंड ही इज़ सो हैंडसम, अगर आप भी देखोगे ना देखना। तो इसका नाम एलेक्स है एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो गया है। एंड जैसे ही एलेक्स गाड़ी से बाहर आता है, जो जीनू है मतलब उसको लगता है कि शायद कुछ हुआ है, तो वो अपना कार का शीशा हटा के जैसे ही जीनू की तरफ फर्स्ट नज़र डालता है, भैया उसके तो तोते मैना कौवे पौवे पता नहीं क्या क्या सब उड़ गए थे उसके तो देख, उसे एलेक्स को फर्स्ट टाइम देख के एंड उसके मुंह से लाट फेंक रही है उसको देख के। तो ये सब मतलब वो उसको बहुत
अजीब तरह से देख रहा था जीनो एलेक्स को। तो एलेक्स ये बात नोटिस कर लेता है जब वो अपना टायर वगैरह चेंज कर रहा था ना, नोटिस कर लेता है कि ये मुझे देख रहा है। दो तीन बार नोटिस करता है वो उसे इग्नोर कर देता है। एंड अंदर उसी शॉप में जहाँ से जीनू ने ऑर्डर दिया था वो उसी शॉप में जाता है एंड वहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करने लगता है। बट जो जीनू था वो उसे अभी भी कंटिन्यूसली देखे जा रहा था एंड देख रहा था एंड ड्रीम भी करता है। एंड ड्रीम में वो देखता है उसको शर्टलेस एंड वो मतलब पानी की बोतल से पानी पी रहा होता है एंड उसकी बॉडी से पूरा पानी निकलता है, उसके एब्स से, ये सब सपना देख रहा होता है। जैसे ही वो सपने से हटता है तो वो जो एलेक्स था उसके सामने खड़ा हुआ था एंड एलेक्स उसको देखते के साथ बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे ही देखे जा रहे हो, तुम्हारा जो मतलब देखने का नज़रिया है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो घबरा जाता है एकदम से। जीनू बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब मैं तुम्हें वैसे कुछ नहीं देख रहा था, तुम ऐसे ही देख रहा था, तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो ना इस वजह से तुम्हें देख रहा था, और प्लीज़ इसको गलत मत समझो। तो वो बोलता है कि जिस तरह से तुम देख रहे थे ना मुझे, कोई भी गलत समझेगा, मैं क्यों गलत ना समझूँ। दोनों की बहस होने लगती है बहुत ज़्यादा कि तभी जो वहाँ वेटर होता है ना वो जीनू का ऑर्डर लेकर आ जाता है एंड जीनू को ऑर्डर देता है। तो जो जीनू होता है उसे बोलता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे, मैं तुम्हें वहाँ पर मतलब उस नज़रों से नहीं देख रहा था एंड मेरा बस ये था कि तुम ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो बट इसी वजह से देख रहा था और कोई रीज़न नहीं है। एंड मैं अब जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ एंड प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो अदर सो देट मैं जा सकूँ। तो वो ऐसा ही करता है, उसको जाने देता है एंड जो जीनो होता है वहाँ से चला जाता है। बट जो एलेक्स था वो वहीं उसी होटल में उसी शॉप में बैठा हुआ होता है कि तभी जो उसकी दोस्त होती है एलेक्स की वो उसको कॉल करती है। एंड एलेक्स ना एक मॉडर्न है, मैं आपको बता दूँ, जो मतलब मॉडलिंग वगैरह करता है। तो उसकी दोस्त उसको बोलती है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, आराम करना है, चिल करना है तो मैं तुम्हें एक रिजॉर्ट का या एक होटल का नाम बताती हूँ, वहाँ पे चले जाओ, 4-5 दिन आराम से रहो एंड सो दैट तुम्हें मतलब जो भी स्ट्रेस वगैरह है वो सब रिलीज़ हो सके। तो बोलता है ठीक है, ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे उस होटल में जाने से थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएगा तो तुम मुझे उस ऐसा करो उसकी लोकेशन और उसका एड्रेस मुझे दे दो, मैं वहाँ पर जाकर स्टे कर लूँगा। उसके बाद उसका ऑर्डर आता है, वो अपना ऑर्डर वगैरह लेके खा पी के उसी रिजॉर्ट के लिए चला जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर जीनू की तरफ, जो उसी रिजॉर्ट में आ गया था पहले, वो आता है एंड आते के साथ वो देखता है जितने भी उस होटल में रहने वाले जेंट्स लोग थे वो सब शर्टलेस थे, सारे के सारे योगा वगैरह कर रहे थे। तो वो लोग उसे भी एडवाइस करते कि उसे योगा करना चाहिए एंड ताकि वो फिट रह सके। एंड तो वो बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरा फर्स्ट डे है तो अभी तो नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे। तभी इतना होता ही है कि साथ में वो उसकी जो फ्रेंड होती है लेस वो आ जाती है, वो उसके साथ में घुल मिलती है एंड उसे हाय हेलो करती है। उसके बाद में उसको बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा यहाँ का जो माहौल है एंड आई होप तुम्हें यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी एंड उससे भी ज़्यादा मज़ा ना तुम्हें यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिखने में आएगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो उसकी ये बात सुनते के साथ बोलता है कि ठीक है अब तो दिमाग ख़राब नहीं होगा, लेकिन मेरा एक दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और कितना होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया, मतलब बताओ ना मुझे बताओ अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। तो वो बोलता है कि क्या बताऊँ, मैं रास्ते में आ रहा था एंड एक बंदा मिल गया, वो इतना ज़्यादा मतलब इरीटेटिंग था एंड पता नहीं बंदे समझते क्या है अपने आप को, अगर थोड़े से हैंडसम है और अगर किसी ने देख लिया, किसी उसको देख लिया तो मैंने क्या कोई कमिट मतलब मैंने कोई क्राइम कर दिया क्या, वो बंदा मेरे पास तो ऐसे चढ़ते हुए आ रहा था। तो वो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जो उसकी फ्रेंड लेस होती है वो बोलती है कि क्या बातें कर रहे हो, तो मुझे पूरी बात बताओ ना, प्लीज़ 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 पूरी बात बताओ क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो बोलता है कि मैं मतलब ऐसे खड़ा हुआ था एंड अच्छा लगा मुझे उस वो देख के, तो मैं उसे देखने लगा बट वो ऐसे अचानक से आ गया मेरे पास, लड़ने लगा मुझसे बोल रहा है कि तुम मेरे को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे तुम्हें देखना नहीं चाहिए मुझे। मैंने भी उसको बोला कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, मतलब देख रहा था लेकिन उस नज़र से नहीं देख रहा था। तो वो बोलती कि अच्छा वो कैसा दिखता था तुम्हें पता है कुछ, तो वो उसको बताता। इससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है, इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे एलेक्स की तरफ, जो सेम उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर जीनू है एंड वो एंटर करता है। एंटर करने के बाद जो उसकी दोस्त होती है उससे पूछती कि मतलब कैसा है वो बंदा, तो वो बताने लगता है कि वो थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड है एंड गोरा है एंड उसने टी शर्ट ये पहनी हुई है और जीन्स का कलर उसकी ये है। इतने में ही जो वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो आ जाता है एंड उसको जो उसकी फ्रेंड होती है लेस वो देख लेती है। तो जो जो खूबी वो बता रहा था ना उधर मुंह करके, सारी खूबी एक लड़के में थी। तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है ना वो बोलने लगती है कि अच्छा उसके बाल ऐसे कटे हुए हैं, अच्छा उसके ये है, उसके यहाँ पे ये लगा हुआ है, उसके इतना बाइसेप्स है। तो बोलता कि हाँ एग्जैक्टली बट तुम्हें कैसे पता। तो वो
बोलते कि ये क्या ये वो यही है। तो उसकी तरफ एक बार को ऐसे देखता है एंड देख के बोलता है हाँ यही है। एंड जब वो दोबारा देखता है तो बोलता है कि तुम, सेम रिएक्शन एलेक्स की तरफ से आता है। एलेक्स भी यही बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड जो हमारा एपिसोड 1 होता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। सीरीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे फर्स्ट एपिसोड देख के एंड रिव्यू करके बहुत मज़ा आया हो आया है। आई होप आपको उतना ही मज़ा आया होगा मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए, सुनने के बाद। एंड इफ़ येस देन आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपसे आने वाली मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मुझे पता चले कि आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा एंड इसको पूरी जो BL सीरीज़ है उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।